आदाब नाज़रीन और दुनिया उस बुलेटिन पेश करने से पहले हदीस मुबारक पेश। हज़रत इब्ने मसूद, हज़रत इब्ने उमर और हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत वाले दिन हर अहद तोड़ने वाले के लिए एक झंडा होगा, कहा जाएगा कि यह फलां की बदअहदी का निशान है। बुखारी व मुस्लिम। प्यारे हुकूमत में ही तमाम तबकात की फलाह व बहबूद की तकमील होगी। मरकजी हुकूमत की तश्कील में TRS ही कलीदी रोल अदा करेगी। यकीनन TRS तेलंगाना के 16 लोकसभा निशितों पर शानदार कामयाबी हासिल करेगी। इन ख्यालात का इजहार रियासती वजीर बराए जंगलात इंडोमेंट व कानून ए इंदिरा गन रेड्डी, साबिका रुकन पार्लियमान व उम्मीदवार हल्के पार्लियमान मुतहदा आदिलाबाद जी नागेश, रुकन असम्बली तालुक अहमदौल जी विठल रेड्डी ने आज कुबीर मंडल में इंतखाबी मुहिम के मौके पर जलसे से मुखातिब होते किया। इस इंतखाबी मुहिम में साबिका मिनिस्टर व रुकन असम्बली आदिलाबाद जोगू रामाना राजेश्वर, मार्केट कमेटी चेयरमैन कुबीर, मार्केट कमेटी चेयरमैन भैंसा जी मुरलीगढ़ व TRS कायदीन की कसी तादाद मौजूद थी। आदरणीय हमारे अल्लोल इंदल रेड्डी गारु, अदे विधंगा पार्लमेंट अभ्यर्थि अन्ना नगेशन गारु, अदे विधंगा जनानीलु पेद्दलु मन राष्ट्र मंत्रिवर्युलु अन्ना अल्लोल దయచేసి అక్కడ కార్యకర్తలు ఉన్న వాళ్ళందరూ ఇక్కడ సభా వేదికపైకి రావాల్సిన కోరుతా ఉన్నాం. ఇంకా చైర్లు అక్కడ వేపి ప్రెస్ వాళ్ళ ఇంకొక ఐదు నిలబడ్డారు. గౌరవ పెద్దలు గణేష్ యాదవ్ గారు కూడా వేదికపైకి రావాల్సిన కోరుతా ఉన్నాం. అదే విధంగా ఇరవై మూడు వేల ఓట్లపై చిలుకుతో రేఖా శ్యామ్ నాయక్ గెలిచారు. మరి ఆయన అక్కడ ఓడిపోవడం జరిగింది. ఖానాపూర్ లో ఉపాధి ఎంపీకి ఎట్లా చెల్లుతుంది మేము అడుగుతా ఉన్నాం. ఆ రూపాయి చెల్లలేదు కాబట్టి ఇంకెక్కడ కూడా చెల్లది. అందుకొరకు చెల్లని రూపాయి ఒక దగ్గర, నడవని రూపాయి ఇంకో దగ్గర నడది. అందుకొరకు ఆ చెల్లని రూపాయిని వదిలిపెడతారని చెప్పి పబ్లిక్ అందరూ కూడా తెలిసిపోయింది. ఏదో ఈ రకంగా పోటీలో ఉండాలని తప్ప ఎక్కడ కూడా గెలిచే అవకాశాలు ఎవరికి లేవు. TRS పార్టీ మరి ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారి నాయకత్వంలో నాగేష్ గారికి భారీ మేరతో గెలవబోతుంది. हाउ में खेल में हिस्सा लेते हुए बासर के उभरते हुए खिलाड़ी सद्दाम हुसैन ने तांबे का तमगा अपने नाम किया। सद्दाम हुसैन अपने वालिदैन बासर मंडल के अवाम ही नहीं बल्कि रियासत तेलंगाना और भारत का नाम रोशन किया। सद्दाम हुसैन की तहनीत पेश करते हुए गांव के लोग और मिशन मदोल के कारकुनान ने यह बात कही। मजीद इन्होंने ख्वाहिश की कि ऐसा ही और वो आगे बढ़ते रहे, गाँव रियासत और मुल्क का नाम रोशन करे। फाइनल खिलाड़ी भी मौजूद है जिसने कांसे का तमगा जीत कर न सिर्फ हल्के असम्बली मधोल का नाम रोशन किया बल्कि हिंदुस्तान का नाम रोशन करते हुए हमें ये फ़ख्र दिलाया कि हम हिंदुस्तान का नाम सारी दुनिया के अंदर अपनी सलाहियतों के ज़रिए से रोशन कर सकते हैं। इससे इनसे मुलाकात करने के बाद बड़ी खुशी हुई कि ये सद्दाम हुसैन
हिंदुस्तान की नुमाइंदगी करते हुए बैरून ममालिक के अंदर जाकर हिंदुस्तान को एक कांसे का तमगा दिलाया। मैं उम्मीद करता हूँ कि अपनी सलाहियतों को और आगे बढ़ाते हुए आइंदा हिंदुस्तान के लिए गोल्ड मेडल दिलाएंगे। हमारी उम्मीदें इनके साथ है, नेक तमन्ना इनके साथ है। साथ ही साथ मैं हुकूमत से मुतालबा करता हूँ कि इनकी भरपूर मदद करें। जब तक हुकूमत का ताऊन नहीं रहेगा, बड़े पैमाने पर कोई भी जीत दर्ज करना आसान नहीं है। मुझे इसका अंदाज़ा है कि इन्होंने ये खिलाड़ी हिंदुस्तान की नुमाइंदगी कर रहा है, इसके लिए अपने ज़ाती सरफे से किस तरीके से किन मुश्किलात के ज़रिए से पहुँचा है। ये जज्बा था कि हिंदुस्तान का नाम सारी दुनिया के अंदर रोशन, और यहाँ के सालापुर के सरपंच और गांव के वासी और रहने वाले शहरी काबिल मुबारकबाद है। इन लोगों ने सद्दाम हुसैन की भरपूर सताइश की। मैं देखकर बहुत खुश हुआ कि ये लोग सीने से सीना लगाकर खुशी का इजहार करते हुए आज यहाँ पर ये प्रोग्राम का इनका हूँ, और वजीर स्पोर्ट्स श्रीनिवास गौड़ से मुतालबा करता हूँ कि वह हमारे सद्दाम हुसैन भाई की भरपूर मदद करें। आप देखेंगे तेलंगाना का नाम सारी दुनिया के अंदर रोशन होगा। मुस्तखर मदौल के एग्रीकल्चर रिसर्च सेंटर में आग भड़क उठी, जिससे पौधों को काफी नुकसान हुआ। पौधेदारों ने फायर इंजन को फायर स्टेशन फोन करते हुए फायर इंजन को तलब किया। फायर इंजन पौधेदारों ने जाय मुकाम पहुंचकर आग पर काबू पा लिया। अवाम उर्दू न्यूज बुलेटिन यही खत्म होता है। कल फिर मिलेंगे इसी वक्त। कल तक के लिए इजाजत दीजिए। अशफाक अहमद।